नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। उस महान आत्मा जिन्होंने आतंकवादियों से संघर्ष करते हुए शहीद होने का काम किया, पंडित धनश्याम जी को मैं अपने श्रद्धा को अर्पित करता हूं। बहुत भावुक मन से मैं इस पर प्रार्थना करता हूँ। मंच पर आसीन सभा के तमाम जनप्रतिनिधिगण, हमसे वरिष्ठ विद्वान मंच पर आसीन कोई नहीं, बुजुर्गण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि मैं जिस साल तक यहाँ संघर्ष किया, लेकिन आज मेरा मन जहां उत्तेजित तो वही हर्षित भी है कि अपने के लिए आज सारे लोगों ने दलीय निष्ठा मान्यता तोड़ करके इस मन में एकत्र होने का काम किया। अपने अपने तरीके से लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बात को रख रहे हैं। अपराधी की जात नहीं होती, हम वस्त्र कुटुंबकम के लोग हैं, हम चीटी को आटा डालते हैं, हम पेड़ों को पानी देते हैं, हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे परिवार पर अत्याचार होता रहेगा और हम चुपचाप बैठ सकते। इनके बाप की हत्याएं हो तो ये शोक सभा करके कानूनी और अपने तरीके से भी बदला ले सकते हैं और हम केवल हाथ पर हाथ बैठ करके बस, कम से कम मैं इसका अनुयायी तो नहीं हूं। रही बात उनके सहायता देने की, शासन ने तमाम अन्य समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होने पर करोड़ करोड़ रुपए की मदद दिया है, लेकिन आज कौन सी ऐसी परिस्थिति है परिवार को आर्थिक अनुदान नहीं मिला। यह सोचने का विषय है, बड़े बड़े माफियाओं को खोज कर निकाल लेते हैं और ये गधा मारने वाला मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर तुम अपने बाप का बदला लेना जानते हो तो पवन पांडे भी अपने भाई को ऊपर तक लड़ाई लड़ी, माने मुख्यमंत्री जी से मिलकर तमाम बातों को कहा, लेकिन वो लोग कहां हैं जिन अंध समाज के लोगों को हमने पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजा है, या उन अंध समाज के लोगों को वोट दिया है, या क्षत्रिय समाज के लोगों को भी सांसद बनाने का काम हमारे ब्राह्मण समाज ने किया है। अब वोट नहीं देंगे हम अगला से पहले जियो जियो यूपी जियो यूपी। अरे यूपी, हम इस दर्द को अच्छी तरह समझते हैं बाभन, और मैं कभी पद के लिए राजनीति नहीं किया, ब्राह्मणों का मसीहा पहले जब मैं राजा है हम राष्ट्र की सभा में आया था, राष्ट्र प्रथम थे हमारे डॉक्टर साहब थे, चंद लोग थे, तो मैंने कहा हुसैन जी महिमा जी आप लोग परेशान न होइए, कोई चिराग जलाते रहिए, किसी न किसी दिन तूफान आएगा। आज आग लग चुकी है, 1 करोड़ की मदद तो सरकार को देना ही चाहिए, लेकिन अगर आप लोग सोच ले तो हम तो मित्र समाज के लोग हैं, जिस दिन कटोरा उठा लेंगे आचर फैला देंगे 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो। मैं अपने पास से राजस्थान में ट्रस्ट की तरफ से उस परिवार को 5 लाख रुपए दे तो शासन में हमारा है, हमारा योगदान है शासन में, हमको मिलना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ पैसे के मोहताज नहीं। अभी हमारे संतोष भैया ने कहा
कि उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये कोई कहने की बात है। तमाम फर्जी दलाल नेता हम देखते हैं सुरक्षा उनको किससे खतरा है यह अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने पिछले 25 साल से हम लोग सुरक्षा नहीं दी। हम अपने सुरक्षा करना चाहिए। रही बात ये कि हम ऐसे समाज के लोग हैं जो समाज के अगुआ हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन ये बात मैं चेताने के लिए आज कम शब्दों में अपनी बात को कह रहा हूँ, मेरी भावना को समझे। आप पर्सनली की सरकार ने न्याय किया तो किया, वरना हमारा बलिदानी जत्था ने न्याय किया। हमने इससे पहले कार्रवाई हो रही है, हम उससे संतुष्ट नहीं। बाउंड्री ठकेलने से कार्रवाई नहीं होती, अपने भाई के शोक में शोक संवेदना करेंगे। हर्षा चलेगा, उसके बाद जब हमारा पर्सा चलेगा तो बहुत अच्छी तरह से जान ले, मैं कम से कम किसी राजनीतिक दल का बधुआ मजदूर नहीं हूँ। मैं 50 साल राजनीतिक दल हमारे साधन है, लेकिन आज समस्याओं के ताले की जो चाबी है वो सत्ता शासन में रहती है, जनप्रतिनिधियों में होती है। पहला कर्तव्य उनका होता है, और ये बात ध्यान रखिए कि आपके समस्याओं का ताला जो खोले उसी के साथ आपको खड़े होने की जरूरत है। अभी हमने देखा कुछ लोग कल रात से पेट में दर्द हुआ और कहने लगे हम सब धांधे की सभा करें। आपको किसने रोका, आपको किसने रोका कि आप इस धांधे की सभा में ना आए? लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 7 दिनों से हमको ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकाला गया है जैसे हम अछूत हो गए। मुझे याद आता है अभी राज्यसभा में झा साहब ने भाषण दिया, बाले जी बोलिए, आगे बढ़ाया है, चाहे जिस संगठन में हम सब लोग चले, उन सब लोगों ने हमारी पीठने का काम किया। इन ब्राह्मणों ने जिनको खड़ा किया, चढ़कर जमाना देख लो, और वो हमें से ये कहें कि ये मेरी ऊंचाई यूपी और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कोई ये न समझे कि आप ठंडी हो जाएंगे, हम अपने सीने में आग रखे हैं। आप ही तो भरोसा है, पुनः एक बार कह रहा हूँ, न्याय हुआ तो हुआ, नहीं तो पता चलेगा।